फाउंडर मेंबर है तिरुपति बालाजी जी, बालाजी तिरुपति बालाजी तिरुपति से हमको डोनेट किया हुआ मूर्ति सामने से इधर से बना के लेके जा। वेलकम टू पीआर की दुनिया फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, मजे में ना। हेलो फ्रेंड्स, हम अब आए हैं लक्ष्मी वेंकटरमण मंदिर में। ये मंदिर नवी मुंबई वाशी में स्थित है। यहाँ पर सप्ताह शुरू है इसलिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। चलिए हम साथ में दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ है। मंदिर के बाहरी दीवार के ऊपर संतों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में, चलिए आप भी। आप देख रहे हैं ना, मंदिर में भक्तों की बहुत ही बड़ी लाइन थी। श्री वेंकटेशाय नमः। पूरे मंदिर में फूलों से सजावट की हुई थी। इसी मंदिर में बहुत सारे और भी मंदिर हैं। ये हमारे फाउंडर मेंबर है तिरुपति बालाजी जी, बालाजी तिरुपति बालाजी तिरुपति से हमको डोनेट किया हुआ मूर्ति सामने से इधर से बना के लेके जा। हमारा गुरुजी का नाम, हमारा गुरुजी का नाम सुनते ही बोला आप इधर से मूर्ति लेके जा। सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी बोल के उधर में निकाला, उन्होंने उनका नाम लेते उन्होंने हमको की हमारा तरफ से आपको मूर्ति इधर मंदिर बनाइए करके दिया। हमारा इष्ट देव है, हमारा कम्युनिटी का गौड़ साहब नाम है इष्ट देव बालाजी। हम हर एक घर पे हम लोग पहला वेंकटरमण को, हम लोग अभी जाते हैं अगस्त में जाते हैं बालाजी, वो जो है इसीलिए तो हम लोग को तो समझ लो ये जो हर एक हम लोग कौन सा गांव में जाते हैं। मैं जब भी वहाँ से आया नया तो मैंने सोचा बालाजी का मंदिर बांधने का। हम लोग किधर किधर जाते हैं, हमारा सारस्वत कमी हम लोग पहला काश्मीर सारस्वत ब्राह्मण थे, बाद में हम गौड़ देश में गए कनौज यूपी और इसके बीच में उधर थे, इसलिए हम लोग को गौड़ सारस्वत ब्राह्मण बोलते हैं। उधर से हम लोग गोवा में आ गए, गोवा में पोर्तुगीज वाले आए हैं 1540 में, ये भी हम लोग को भगाया उधर से। हम लोग पूरा कोस्टल टाउन में, इसीलिए हमको कंकनी बोलते हैं। तो परशुराम सृष्टि जो बॉम्बे से पकड़ के कन्याकुमारी तक जो शीशोर है इसको तो कंकन बोलते हैं। तो हम लोग कंकनी, हम लोग को कभी खाद नाम है तो कंकनी, ये लोग कंकनी। ये 94 में प्रतिष्ठा हो गया, 91 में जगह मिला हमको, तो जगह मिल के हमारा वो स्वामी जी को बोला कि भूमि पूजा किया और 94 में इधर भगवान को कनेक्ट किया, प्रतिष्ठा किया। यही मूर्ति है जो तिरुपति से आए वाला मूर्ति है, बाजू में मालूम है वो दोनों फूल बहुत खड़े हैं। वो जो श्रीदेवी भूदेवी बोलते, श्रीदेवी बोलेंगे तो हार्ट में रहती है, भूदेवी बोलते जिसके ऊपर आप खड़े हैं ना उसको भूदेवी बोलते। वो जो द्वापरा युग में कृष्ण को रुक्मिणी और सत्यभामा थे,
सत्य बाबा वॉज सेकेंड वाइफ, सेकेंड शक्ति, फर्स्ट वन इज रुक्मिणी, दैट इज लक्ष्मी। तो ये जो भूदेवी बोलेगा तो दिस इज सेकेंड ईशनिया। तो सत्य बाबा पूछती है हर दफे मेरे को सेकेंड रोल क्यों है, बोलते बोलते कलयुग में मैं आके तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। तो ही मैरिड पद्मावती, पद्मावती इज भूदेवी सत्य मामा, एंड लक्ष्मी गेट्स नारद गोस वाइफ एंड टेल दैट योर हस्बैंड हैज मैरिड भूदेवी। सो शी गॉट्स एनॉयड एंड शी कम्स एंड स्टेज इन कोल्हापुर। तो आपको तिरुपति जाने का पहले महालक्ष्मी कोल्हापुर में जाके महालक्ष्मी को फॉर्म पढ़ के आओ, तो वो मान होने का बाद उसके साथ में शादी होते पद्मावती का। मगर ये बोलता है मैं अकेला जाके ऊपर जाके खड़ा होता हूँ, तुम इधर नीचे। तो पद्मावती एट द डाउन बिलो एंड तिरुपति बालाजी अलोन स्टेज एंड कोल्हापुर में लक्ष्मी स्टेज, वो तीनों श्रीदेवी भूदेवी। तो ये तो कहानी हम लोग उधर पूछा था लेकिन किसी को बताया नहीं था ये तो उधर नहीं बताएंगे कि एक्चुअली तो शास्त्र में है ना, पुराण में है ये, ऐसा ऐसा हो गया। बस तो ये रखो जेब में, तो समझ लो कभी इधर तो पूरा मंदिर का है ये मंदिर और चारों फैमिली मंदिर। दैट फैमिली डाइट इसको हम लोगों ने 1997 में प्रतिष्ठा किया, 1997 में प्रतिष्ठा किया। मेरा नाम है चंद्रराम भाई, तो मैं 87 में सभा चालू किया, 91 में जगह ले लिया, 94 में मंदिर चालू किया। और यहीं पर हमें मिल गए हमारे फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। आज मंदिर में जाके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली आज हमें, जो शायद हमें आज ही पता चली है। आज का वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय फॉर नाउ, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर।